नमस्कार एंड स्वागत है आपका टाइल्स की इस वीडियो में। दोस्तों, टाइल्स चूज करना मुश्किल हो सकता है अगर आप फैमिलियर नहीं है मार्केट में मिलने वाली टाइल्स से। बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर घर बनवा रहे हैं तो आप अपने बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में, पोर्च में, वरांडा में, सारी जगहों में प्लस स्टेयर्स में कौन सी टाइल आप लगवाएं जिससे कि आपका घर अच्छा लगे और आपके बजट में भी। बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स प्लस कुछ हैक्स हैं जो मैंने अपने घर में अप्लाई किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में। देखिए, किचन की टाइल चूज करने के पहले आपको चार चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली, स्ट्रॉन्ग हो टाइल, ऑयल रेजिस्टेंस हो, मॉइस्चर रेजिस्टेंस हो, प्लस एंटी स्किड हो। आप किचन की वॉल के लिए 1x2 की टाइल यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ग्लॉसी यूज करें क्योंकि कभी कभी ऑयल उसमें चला जाता है तो इजी रिमूव नहीं होता है। एक हैक बताऊं, लास्ट टाइम मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि कुकर से जब दाल बनती है तो छींटे निकल के सामने पड़ जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने अपने घर पर भी अप्लाई किया है, आप उसमें ना एक टिश्यू पेपर रख दो। टिश्यू पेपर रखने से दाल इधर उधर नहीं जाएगी और उस टिश्यू पेपर ही एब्जॉर्ब कर लेगा सारा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बाथरूम की तरफ। अगेन, बाथरूम के लिए एक तो स्ट्रॉन्ग टाइल चाहिए होती है प्लस एंटी स्लिप टाइल की जरूरत पड़ती है। सिरेमिक और पोर्कलेन टाइल आर अगेन ग्रेट ऑप्शन, बट अगर आप थोड़ा लग्जरियस सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो यूज करो मार्बल और ग्रेनाइट। मार्बल टाइल बहुत ही पॉपुलर चॉइस है, हालांकि ये देखने में बेहद खूबसूरत लगती है एंड मेंटेनेंस भी लगती है इसमें एज कम्पेयर टू सिरेमिक टाइल। तो ये सब चीज़ों को कंसीडर करके ही टाइल लें। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम में आप वेट्रीफाइड टाइल लगा सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं, प्लस ब्लूम कारपेट आती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। फर टाइप की होती है, फोटोज में दिख रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं पोर्च एरिया की तरफ। पोर्च एरिया में तीन चीजें आपको देखनी जरूरी है। पहली, कि थिकनेस ज्यादा हो, क्योंकि पोर्च एरिया में आप बाइक लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे तो ब्रेक ना हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है, मैट फिनिश में हो, ग्लॉसी ना हो, क्योंकि आप उसमें कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे तो ऑलरेडी वो घिस जानी है कुछ दिन के बाद, अच्छी नहीं दिखेगी। तीसरा, आप पैटर्न करवा सकते हैं, 2x2 की टाइल लेके जिगजैग पैटर्न करवा सकते हैं या 4x2 की भी टाइल आप यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगर बालकनी की तरफ, तो बालकनी में भी तीन चीजें ध्यान रखना है। पहला तो अगेन एंटी स्किड होना चाहिए, धुलाई होती रहती है, फिसले ना आदमी, प्लस 1x1 की टाइल यूज करें, कोशिश करें 1x1 की। उसमें पैटर्न दे सकते हैं आप, बहुत अच्छी लगती है देखने में, अलग अलग कलर के अलग अलग का पैटर्न दे सकते हैं, प्लस 1x1 की ही टाइल यूज करें बालकनी में, देखने में अच्छी। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेयर्स की तरफ। स्टेयर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ग्रेनाइट माना जाता है। टाइल भी अगेन इज अ गुड ऑप्शन, बट ग्रेनाइट और टाइल का भी आप मिक्सचर यूज कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो जो फुट जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ पे आप ग्रूफ जरूर बना लेना, जिससे थोड़ी सी ग्रेनाइट तो होती ही, पकड़ होती है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप ग्रूफ बनवा लीजिए जिससे पैर अच्छे से जम जाता है उसके ऊपर, स्लिप नहीं होता। बाई चांस घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो पानी पड़ रहा है तो स्लिप नहीं होगा। प्लस आप दो उसमें जा सकते हैं, दो टेक्सचर, दो पैटर्न में जा सकते हैं। ऊपर ग्रेनाइट लगवा लीजिए और सामने जो अप होता है उसमें आप टाइल लगवा लीजिए, व्हाइट कलर का या दूसरे कलर का। इससे आपको खर्चा भी कम होगा, अंडर बजट आपको पड़ जाएगा, प्लस देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आई होप मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँगा अभी टाइल सिलेक्ट करने के लिए आपके घर के लिए या फ्लैट के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।